पतंगबाज पुलिस ऑफिसर। बचना ऐ हसीनो, लो मैं आ गया। आज तो कोई भी हसीना मुझसे नहीं बचने वाली। देख लेते हैं, पहले मेरी रानी से तो मुकाबला करके दिखाओ, हार जाओगे। तुम्हारी रानी तो आज गई राजा बेटा। ये कहकर दोनों ने पेचा लगा लिया और देखते ही देखते जेदी की पतंग हवा की लहरों में बहती दूर चली गई। के दिल हुआ बोकाटा, के जेदी का हुआ बोकाटा। तू नीचे आता है या मैं ऊपर आऊं? शान सब छोड़ छाड़ कर फौरन नीचे भागा। देखा तो सब घर वाले बहुत खुश नजर आ रहे थे। हैं? सब ठीक तो है ना? आप सब कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। बात है ही खुशी की, ये ले मुंह मीठा कर। मेरा रिश्ता पक्का हो गया क्या? हाँ, और ऐसी जगह हुआ है जहाँ वो तुझे सीधा कर देंगे। अब तो मत डांटिए मेरे बेटे को, अब तो वो पुलिस ऑफिसर बन गया है। है सच्ची? मैं पुलिस च भर्ती हो गया, मैं पुलिस च भर्ती हो गया, पुलिस च भर्ती हो गया, मैं पुलिस च भर्ती हो गया। अगले दिन शान खुशी खुशी पुलिस स्टेशन आया। हाँ तो भाई शान मियाँ, तुम्हें तो हवालात में डालना चाहता था मैं। पतंगबाजी छोड़कर ये किस लाइन में आ गए तुम? चलो अब आ ही गए हो तो क्यों ना तुम्हारी ही ड्यूटी लगा दूं पतंगबाजी रोकने की। वैसे भी तुम्हें तो पता ही होगा हर ठिकाने का। ये सुनकर शान परेशान हो गया। लेकिन मुझे तो मुजरिमों को पकड़ना था जनाब, कोई सीरियल किलर, कोई चोर, कोई डाकू पकड़वाओ मुझसे। जितना कहा जाए उतना ही करो समझे, और खबरदार आज के बाद ज्यादा चूंचा की तो। शाम में जब शान घर आया तो देखा वहाँ जेदी पहले से ही मौजूद था। आए आए इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बुरा फंस गया हूँ यार, मुझे बचा ले मेरे भाई। हुण रोला ना तू पावी, हुण जो होना सी हो गया, तू पुलिस च भर्ती हो गया, तू पुलिस च भर्ती हो गया। अब तू भी भाई का मजाक उड़ाएगा, पतंगबाजी रोकने का कह दिया उस मुच्छड़ उस्मान ने मुझे, तुझे भी पकड़कर अंदर कर दूंगा। चल मुझे तो तू अंदर कर भी दे, मगर अपने अंदर छुपे पतंगबाजी के कीड़े का क्या करेगा? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही मेरे दोस्त, तू मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरी मदद कर। अब तू इतना कह रहा है तो कुछ सोचना ही पड़ेगा भाई को। अगले दिन शान अपनी टीम के साथ चंदू के घर छापा मारने पहुंचा, जहां वो और उसके दोस्त मजे से पतंग उड़ा रहे थे। पुलिस को आता देखा तो छत से छलांग लगा दी। चंदू जैसे ही नीचे गिरा तो सिपाही ने उसे पकड़ लिया। आसमान से गिरा खजूर में अटका, अब तो ऐसा लटकाऊंगा ना कि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। शान, शान ये सब क्या है? तुम तो मेरे साथी थे, आज तुम ही इनके साथ मिल गए। शान शर्मिंदा खड़ा सब देखता रहा। इंस्पेक्टर, थाने चलो, तुम्हें औरों से भी मिलवाता हूँ। ये कहकर उसे थाने ले जाकर बंद कर दिया। कुछ ही दिनों में गांव के सभी पतंगबाज जेल में बंद थे। इंस्पेक्टर उस्मान बाहर आसमान को देखते हुए शान के पास आकर बोले, आज आसमान कैसे साफ नजर आ रहा है, एकदम पुरसकून,
और ये सब तुम्हारी ही मदद से हुआ है। जी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन देखें तो पूरे गांव का आसमान खाली है, ना कोई हुसन रहा और ना ही कोई हसीना। आपका दिल नहीं करता क्या पतंग उड़ाने का? हम भी तो इन जैसे ही हैं, लेकिन हमें दिल से ज्यादा दिमाग की सुननी पड़ती है, ड्यूटी है हमारी। पतंगबाजी से कितने मासूम लोगों की जान चली जाती है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम गांव के बाहर पतंग उड़ाने के लिए जगह रख दें, और गांव में बाइक्स पे सेफ्टी रॉड्स भी तो लग सकते हैं ना, ऐसे सबका शौक भी पूरा हो जाया करेगा और हमारी ड्यूटी भी। इंस्पेक्टर को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। अगले दिन गांव में हर साइकिल और बाइक सवार के लिए सेफ्टी रॉड्स लगाने का ऐलान कर दिया गया। फिर वहां एक बड़ा बसंत फेस्टिवल करवाया गया, जिसपे सब ने इंस्पेक्टर के साथ साथ शान का भी शुक्रिया अदा किया।